अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी विल बी स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। वेरी इंपॉर्टेंट और डायफ्राम की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़ को डिवाइड करा होता है, सेपरेट करा होता है। अब डायफ्राम हमारे पास फोर चीज़ों से बन रहा होता है। इसके लिए आपने मनमोनिक याद कर लेना, स्पाइडरमैन यानी कि SPDM स्पाइडरमैन, ठीक है। एस से हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम बन रहा होगा और पी से हमारे पास प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस, डी से एंड एम से मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये आगे जाकर हमारे पास हमारी डायफ्राम फॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले वी विल कम टू सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम बेसिकली फॉर्म कर रहा होता है एक सेमी सर्कुलर शेल्फ जो कि हमारी सेपरेट कर रही होती है हमारे हार्ट को फ्रॉम द लिवर। कैसे? तो ये देखें, हमारे पास है एक सर्कल है, ये हमारी सेप्टम ट्रांसवर्सम है, सेमी सर्कुलर शेल्फ बना रहा होता है, दैट सेपरेट्स आवर हार्ट फ्रॉम आवर लिवर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि सेप्टम ट्रांसवर्सम आगे हमारे पास जो होता है डायफ्राम उसका पार्ट बना रही होती है, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम बना रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लूरोपेरिटो। अच्छा, इससे पहले ये भी है कि हमारा जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ना, ये एक्सपैंड एंड फ्यूजेस विद डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस एंड विद प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यानी इसने प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ भी मिलना है और डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस के साथ भी मिलना है। फिर आ जाता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन हमारा जो होता है ना, फ्यूज कर देता है हमारे एक तो सेप्टम ट्रांसवर्सम के साथ, ये तो पता ही था, उसके बाद डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस के साथ भी मिल जाता है एंड फ्यूज कर देता है एंड कंप्लीट कर देता है द पार्टीशन बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज और फॉर्म कर रहा होता है हमारे पास प्राइमोर्डियल डायफ्राम। प्राइमोर्डियल पीस से याद रखना, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन विल फॉर्म द प्राइमोर्डियल डायफ्राम। देन वी कम टू डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस। डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस ने हमारे प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ भी मिलना था और सेप्टम ट्रांसवर्सम के साथ भी मिलना था और ये हमारे पास कंस्टिट्यूट करी होते हैं मीडियन पोर्शन ऑफ द डायफ्राम। एम से याद रखना, मीडियन पोर्शन ऑफ द डायफ्राम। साथ ही साथ हमारे जो क्रूरो होते हैं ना डायफ्राम के, दे आर बींग फॉर्म फ्रॉम डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस। फिर आ जाता है मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल्स। अच्छा, इसके अंदर ये आपने याद रखना है, हमारे पास ना ये स्प्लिट करती है ड्यूरिंग 9th एंड 12th वीक द लंग इन प्लूरल कैविटीज इन लार्ज बोरोइंग इन टू द लैटरल बॉडी वॉल्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास जो बॉडी वॉल का टिश्यू होता है ना, स्प्लिट कर देता है इनटू द टू लेयर्स, ठीक है। टू लेयर्स में स्प्लिट कर देता है, एक जो एक्सटर्नल लेयर वो तो हमारे पास बन जाएगी डेफिनेटिव एब्डोमिनल वॉल, यानी कि एब्डोमिनल वॉल का पार्ट बन जाएगी, जबकि जो इंटरनल लेयर होती है ना बॉडी वॉल की, ये कंट्रीब्यूट करती है टू पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ डायफ्राम। पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ डायफ्राम को कंट्रीब्यूट करेगी और इसी असना में हमारे पास कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस भी बन जाएगा। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द पोजिशनल चेंजेस एंड इनोवेशन ऑफ द डायफ्राम।